कि भगवान भी सोचेंगे कि कोई दिन तो छोड़ दिया करो। कोई घमंड या फिर कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रही मेरा, और अमन के साथ मेरी लड़ाई हो चुकी है। Welcome back to my video. Hope you all are doing well. So guys, आज मैं जाने वाली हूँ शूट कराने, इसलिए मैं रेडी शेडी हो गई हूँ कुछ ऐसा। और मैं ना जैसे लास्ट व्लॉग्स में मैंने बताया है कि मैंने एक शूट कराया था, बट वो अच्छा नहीं हुआ था बिकॉज कुछ आउटफिट अच्छा नहीं पहना था, इसलिए शूट भी अच्छा नहीं हुआ था। मतलब जैसे ज़ारा में बहुत अच्छा बैकग्राउंड है शूट कराने के लिए, तो आज मैं वहीं शूट कराने के लिए जाने वाली हूँ और आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना है। बाकी अभी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है, खाना खा लेती हूँ जब तक। और अभी अमन भी आ रहा है, मतलब अमन आ जाएगा फिर हम लोग जाएंगे। सो फटाफट खाना खा के फिर आपको मिलती हूँ। बाय मम्मी। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, लेट्स गो। गाइज हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं और अमन के साथ मेरी लड़ाई हो चुकी है। अब शूट कराऊंगी गाइज। अभी मिलती हूँ गाइज थोड़ी देर में। इधर है, नीचे नहीं जाना, इधर ही जाना। चलो नेल पेंट नहीं लगा रही क्यों? गाइस सच बताऊं, मैं ना H&M ऐवें ही घूमने आई थी, बट मैं आई और मैंने ना ये वाला शेड देखा और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेरे फेस पे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो फिर मैं ये ले रही हूँ। हाँ भाई लगा के देखेंगे अभी के अभी। कैसा दिख रहा है? बहुत मस्त। चलो गाइस ऐसे ही। आज ना थर्सडे है, तो ना आज के दिन चिकन नहीं खाते। मतलब ऐसा था, बीच में मैंने थर्सडे को बिल्कुल छोड़ दिया था, वापस से मैंने बीच में स्टार्ट कर दिया। और गाइस जैसे मैं ना ट्यूजडे और सैटरडे को तो खाती ही नहीं हूँ, और फिर नहीं खाएंगे नेक्स्ट टाइम से। मतलब तो गाइज मैंने जैसे ट्यूजडे और सैटरडे को तो छोड़ ही रखा है, मैं मतलब ट्यूजडे और सैटरडे को बिल्कुल चिकन नहीं खाती, बट ना बीच में मैंने थर्सडे को भी छोड़ दिया था, फिर मैंने वापस से थर्सडे को मतलब खाना स्टार्ट कर दिया। और मैं ना आज सोच रही थी कि भगवान भी सोचेंगे कि कोई दिन तो छोड़ दिया करो, बट आज ना मैं लास्ट खा रही थर्सडे को चिकन, बाकी आगे से नेक्स्ट टाइम से ना थर्सडे को चिकन बिल्कुल नहीं खाऊंगी। गाइज कुछ ऑर्डर देकर आती हूँ। ऑर्डर कहाँ है? कौन सा ऑर्डर? ऑर्डर दे के आई है ना, ऑर्डर मैं दे के आई हूँ, तुम लोग ले के आए। व्हाट हैपेंड? ये पूछ क्या हो, ये कैसे दिया है, ये गंदा सा कैसे हो रहा भैया? पता नहीं, पूछ क्या हो ना, ये कैसे हो रखा भैया? क्या मैंगो शेक बनाया था उससे पहले, मुझे लग ही रहा था तुम्हारी के।
सो गाइज हम लोग घर पे आ गए हैं और अभी अभी आए थोड़ी देर पहले ही, और आके मैंने फोटोज वगैरह पोस्ट करी, आप लोग इंस्टाग्राम पे देख लेना कि कैसी फोटोज क्लिक कराई है। बाकी आज मैंने वीडियोज नहीं बनाई है, और गाइज मैंने ना अमन से ये मंगाया है, क्या बोलते हैं इसको, वर्कआउट बैंड, जिम बैंड, तो ये कुछ मंगाया है मैंने, इससे वर्कआउट करते हैं गाइज। बिकॉज जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था कि मैं जिम जाने के लिए सोच रही हूँ, सो मैं ना देखो मैं इससे पहले कभी भी जिम नहीं गई है कि जिम में जाके कैसा लगता है, तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं मैं कंफर्टेबल होंगी कि नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि पहले घर से स्टार्ट करती हूँ, और जब लगेगा कि हाँ मेरा वर्कआउट डेली हो गया है, मतलब रूटीन में आ गया है। बिकॉज देखो क्या होता है मेरे साथ ना, मैं अगर ज्वाइन करूँगी ना तो हेलो गाइस एक मिनट आज मैं नीचे नहीं जाई छोड़ने में, थकी हुई हूँ, बाय बाय। क्या हो गया, क्या दिक्कत पै गई है, कुछ नहीं है, जा रहे हो, कई जमन बोल रहा है प्लीज मुझे नीचे तक छोड़ के आ जाओ, बाय। मेरा वो कहा है सामान, कोई सामान नहीं था, लाया थोड़ी ना, तो ब्लैक वाला पहन, चलो बाय। हाँ तो गाइज मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया बिकॉज अमन जा रहा था, और मैं ये बता रही थी कि मैंने ना अमन से ही इसलिए मंगाया है बिकॉज जिम बैंड जो भी बोलते हैं इसको, तो मैंने ये इसलिए मंगाया है बिकॉज मैं ना अगर जिम ज्वाइन भी कर लूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ उठने के मामले में, सुबह सब ना ये ना हो कि एक दिन जिम जाऊँ दूसरे दिन सो ही रही हूँ तीसरे दिन जिम जाऊँ फिर ये सब ड्रामा ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले खुद से सुबह वर्कआउट करती हूँ, स्टार्टिंग का टाइम जो है वो घर में करती हूँ, अगर मेरा रूटीन बन गया सुबह उठने का और वर्कआउट करने का तो फिर मैं जिम ज्वाइन कर लूँगी। सो गाइज मैं कल से सोच रही हूँ कि मैं वर्कआउट शुरू करूँ, और बस गाइज बस यही बता रही हूँ। तो या गाइज अभी ना मैं इसके बाद चेंज वेंज करने वाली थी, बट फिर मुझे सडन याद आया कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में या लास्ट से लास्ट व्लॉग में बोला था कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, बट मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, सो नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी, तो मुझे अभी अभी याद आया कि मैं क्या बात करने वाली थी। तो गाइज मैं ये बात करने वाली थी, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं खींचूंगी, फटाफट आपको बताऊँगी। सो मैं ये बात करने वाली थी कि मैंने ना एक शॉर्ट्स डाला था, और वैसे मेरे यूट्यूब में बिल्कुल भी नेगेटिव कमेंट बिल्कुल भी नहीं आते हैं, मतलब मैं जितने कमेंट्स पढ़ पाती हूँ अभी तक मैंने नेगेटिव कमेंट कुछ भी नहीं देखा है। एक अगर एक दो कमेंट्स को मैं नेगेटिव गिनूंगी तो फिर वो गलत है ना, अगर इतने सारे पॉजिटिव कमेंट मैं मेरे को आते हैं ना तो फिर मैं एक दो नेगेटिव कमेंट नहीं देखती, बाकी जैसे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है वो सब नहीं है, तो उसके लिए तो अच्छा लगता है काफ़ी। बट अभी मैंने एक शॉर्ट्स डाला था अपनी दीदी की शादी वाला, वो पिंक लहंगे वाला, आप देख लेना, मैं इधर पिक्चर या कुछ लिंक विंक मैंशन कर दूँगी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने वो डाला था तो उस पर कमेंट्स आए थे, नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे, कोई भी ऐसे गाली वाली ऐसा कोई भी कमेंट नहीं था, बट वो कमेंट्स ऐसे थे कि थोड़ा सा ना ऐसे पढ़ के मैं ऐसे हो गई कि यार मतलब ऐसे कैसे मतलब लोग बोल रहे हैं और सोच रहे हैं, और किस लिए बोल रहे थे वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने उस वीडियो में ऐसे बोला कि गाइज मैं ऐसे शादी में गई थी और शादी में मेरे फैंस मिले, उनसे मिल के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने ये लाइन्स थी प्रॉपर, आप लोग जाके शॉर्ट्स में देखना आपको भी पता चलेगी, ये लाइन थी कि मेरे फैंस मिले। तो उसमें काफ़ी लोगों के मैंने जो कमेंट्स पढ़े उसमें ये कमेंट्स थे कि क्या था कि इतना घमंड है फैंस बोलते हो, और क्या था, इतना घमंड है फैंस बोलते हो, फैंस नहीं बोलते सब्सक्राइबर्स बोलते हैं, और मुझे ना ऐसा लग रहा था कि ना उस वीडियो में जिन लोगों ने मेरे साथ पिक्चर्स क्लिक कराई थी ना शायद उनकी फैमिली से, मुझे कंफर्म नहीं पता, बट शायद उनकी फैमिली से कोई लड़की कमेंट, एक लड़की कर रही है या फिर बहुत सारी लड़की कर रही थी पता नहीं, तो दो तीन जन कमेंट कर रहे थे कि पूरी फैमिली देख के हंसी फैन। तो फिर मैं सोचने लगी कि अगर आपने मेरे साथ फोटो क्लिक कराई है या तो आप मुझे देखते हो या आप मुझे पसंद करते हो और आप मेरे फैन हो, है ना। अभी जिनने ये कमेंट किया था कि फैंस नहीं बोलते सब्सक्राइबर्स बोलते, तो मैं आपको ये बता दूं जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है अभी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अभी इतने ज़्यादा लोग मुझे यूट्यूब से नहीं जानते हैं, जो लोग भी मुझे जानते हैं, जो लोग भी जिन लोगों ने मुझे देखा है वो इंस्टाग्राम पे ही देखा है, इंस्टाग्राम से ही मैं जो है वो वीडियोस वायरल वगैरह हुई थी तो सब मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू ही जानते हैं, अभी कोई मुझे यूट्यूब के थ्रू नहीं जानता। जो लोग यूट्यूब के थ्रू जानते हैं वो आके बोलते हैं कि आप व्लॉग्स बहुत अच्छे बनाते हो, हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, तो मुझे पता चलेगा कि ये मेरा सब्सक्राइबर है। तो
वो मुझे आके मिले मैं तो उनको फैन ही बोलूंगी ना। अगर मैंने फैन बोला तो उसमें मैंने गलत क्या बोला है ना। मैं ना जिसको पसंद करती हूँ मैं उसके साथ जाके फोटो क्लिक कराऊंगी है ना। बट एवे मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि हाँ कोई फेमस है और मैं उसे जानती भी नहीं हूँ और मैं सामने से जाके उसके साथ फोटो क्लिक कराऊंगी। क्यों क्लिक कराऊंगी मैं फोटो? अगर आप मेरे साथ फोटो क्लिक करा रहे हो तो आप मुझे जानते हो है ना, और मतलब मुझे आप मुझे देखते हो तो फिर आप तभी तो करा रहे हो ना मेरे साथ, तो मैं आपको क्या बोलूंगी? फैमिली फैन यही बोलूंगी। बट उस वीडियो में सबने मेरी उस बात को बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लिया कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, मेरे अंदर फनाना है, मेरे अंदर ढिमकाना है। बट मैं नेगेटिविटी हटा देती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे अकाउंट पे पूरी पॉजिटिविटी है और कोई दो तीन जन आके उसको नेगेटिव कमेंट करें तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने अकाउंट से नेगेटिव कमेंट्स हटा देती हूँ। मुझे यही बोलना था कि यार ऐसे कुछ गलत मत समझो, मैं किसी को फ़ैन ये वो बोल के कोई घमंड या फिर कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रही, मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लोग मुझे मिले थे और मुझे सच में अच्छा लगता है कोई मुझे मिलता है आके मेरे साथ फ़ोटो क्लिक कराता है तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने वो बात बोली कि मेरे फैंस मिले थे और मुझे उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इसमें कोई एटीट्यूड या कुछ ऐसी बात तो नहीं है कि लोग इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि फ़ैन्स ये वो फनाना ढिमकाना, भी बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट करे, बट वो मैंने सारे डिलीट कर दिए थे और थोड़े टाइम के लिए मैंने उसकी वीडियो के कमेंट्स ही ऑफ कर दिए थे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैंने गलत क्या बोला। फिर बाद में ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो मैं फ़ैन नहीं बोलूँगी, वैसे मैं फैमिली ही बोलती हूँ, बट अभी मैं ये चीज़ बोलूँगी तो आप लोग सोचे कि हाँ हाँ ये अभी अभी सीखा है, तो इसलिए मैं ये बोल नहीं रही थी। बाकी इट्स ओके अगर किसी को बुरा लगा है, बाकी उसमें मैंने कुछ ऐसा बुरा बोला नहीं था। अगर आप लोगों ने वो शॉर्ट्स नहीं देखा जाके तो देखना और मुझे बताना क्या मैंने कुछ गलत बोला है ना, बस यही बोलना था। बाकी यस गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ एंड होप करती हूँ वीडियो में आपको मजा आया होगा। अगर वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, चलिए बाय बाय, टेक केयर, पीस।